दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का प्रतीक बना प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा गोवर्धन। कहते हैं कि अगर इंसान दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी से किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति अपने मन में जगा ले तो मंजिल खुद चलकर इंसान के पास आ जाती है। इसी की मिसाल बन गया गोवर्धन के हरिपुरा नगला का प्राथमिक विद्यालय, जहाँ के प्रधानाचार्य विपिन कुमार गौड़ ने एक संकल्प के साथ में विद्यालय के कायाकल्प का बीड़ा उठाया और एक साल के अंतराल में ही उसे पूरा भी कर दिखाया, जिसमें कि गोवर्धन के प्रमुख समाजसेवी चौधरी भगवान सिंह जी द्वारा विशेष योगदान के रूप में विद्यालय का स्मृति द्वार बनवाया और ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान दिया। जहां एक वर्ष पूर्व विद्यालय में मात्र 40 बच्चे पढ़ने आते थे, आज वहां बच्चों की संख्या लगभग दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। ये सब समाजसेवियों के सहयोग और विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं तथा प्रधानाचार्य की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। अगर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापक और शासन के अधिकारी इसी मानसिकता के साथ में कार्य करने लगे तो संभव है कि देश का भविष्य वास्तविक रूप से उज्जवल किया जा सकता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गौड़। और ये विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा। हरिपुरा, तो किस पोस्ट पे आप इस विद्यालय? मैं प्रधानाध्यापक कार्यरत। कितने अध्यापक और अध्यापिका यहाँ अध्यापन का कार्य करते हैं? यहाँ मेरे अतिरिक्त 3 अध्यापिका हैं और कार्यरत हैं। तो कितने वर्ष आपको यहाँ अध्यापन का कार्य करते करते हो? मुझे यहाँ जो कारोबार मैंने लर्न किया है 1 वर्ष होने जा रहा है, 11 अक्टूबर को मुझे 1 वर्ष हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आज कार्यक्रम रखा गया है, इससे पूर्व भी 1 वर्ष पूर्व जब आप यहाँ आए थे तब भी कार्यक्रम रखा गया था, किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है और इसकी क्या मतलब इसका उद्देश्य? 1 वर्ष पूर्व बाल दिवस हम लोगों ने यहाँ मनवाया था 14 नवंबर को, तब यहाँ जो गोवर्धन के प्रमुख समाज सेवी हैं श्री भगवान सिंह सैनी हलवाई जी, वो इसी गांव के मूल निवासी हैं हरिपुरा के, उन्होंने 1,11,000 रुपये यहाँ देने की घोषणा की थी विद्यालय के लिए। तो उनके जो पैसे थे उन पैसों से स्मृति द्वार उनके पूज्य पिताजी की स्मृति में बनवाया गया है और विद्यालय में चार दीवारी का निर्माण करवाया है, जिसमें 1,76,500 रुपये खर्च हुए और उनकी दरिया दिली है कि उन्होंने पूरे पैसे जो घोषणा करने के बाद भी उससे भी कहीं ज़्यादा धनराशि विद्यालय के लिए दी है। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने विद्यालय के लिए ऐसा किया है। तो उनके जो स्मृति द्वार बनाएंगे पूज्य पिताजी की स्मृति में चार दीवारी बनी है, उसी का लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ किया जा रहा है। सर, विद्यालय में लगभग कितने बच्चे पढ़ते होंगे? फिलहाल में विद्यालय में 78 स्टूडेंट्स हैं, 78 बच्चे हैं। और जब आपने कार्यभार संभाला था तब कितने बच्चे थे? मैंने यहाँ कार्यभार लिया था तब यहाँ 43-43 बच्चे थे। तो आपने एक साल में ही लगभग दुगना किया है, तो इसके पीछे क्या आपकी विशेषताएं रही हैं कार्यशैली की? मुझे तब ऐसा लगता था कि जो विद्यालय है यहाँ, अगर हम भौतिक पर भी इसको सुधारने में कामयाब हुए, अगर भौतिक स्थिति सुधार ली तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पास में सकी प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ भी बच्चे जाते ही हैं। तो और यहाँ जैसे बरसात में इतनी कीचड़ हो जाती थी, रास्ता नहीं था, बच्चे नहीं आ पाते थे, तो ऐसी भ्रांति लोगों के मन में थी। तो हमने सबसे पहले जो भौतिक परिवेश था उसे सुधारने का कार्य किया। आज आप जिस ऑफिस को देख रहे हो, पहले ऐसी ऑफिस नहीं थी। विद्यालय कमरों में जो क्लासरूम है बड़े बड़े बोर्ड लगवाए और जो चार दीवारी वगैरह से इसको पूरा किया, सड़क के लिए भी रास्ते में मलबा वगैरह डरा करके थोड़ा सा उसमें भी काम किया, टॉयलेट बच्चों के लिए अलग से बनवाई, पानी की व्यवस्था करवाई। जो मुख्य बात थी कि पानी नहीं था, प्रधान जी ने यहाँ के जो सचिवता के प्रधान जी हैं बघेल जी, उन्होंने टंकी पानी की बच्चों के लिए यहाँ दी है। तो इन भौतिक परिवेश को सुधारने पर मुझे लगता है कि विद्यार्थियों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ। तो जैसा कि आपका मानना है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और भौतिक परिवेश को बदला जाए, शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारा जाए और बाहर के जो समाज सेवी हैं उनके सहयोग से आपने ये सब कार्य यहाँ पे किए हैं 1 वर्ष के अंतराल में, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेसिक शिक्षा विभाग इन कार्यों को कराता तो उसमें और भी वृद्धि हो जाती? बिल्कुल यही बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग कराता ही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग नहीं करा रहा है। शासन की कई ऐसी योजनाएं हैं जो विद्यार्थियों के लिए सीधे सीधे दी जा रही हैं, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिल रही है, जूते मोजे मिल रहे हैं, बैग मिल रहे हैं और मिड डे मील की योजना भी चलाई जा रही है। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और जहाँ पर शासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो तो मिल ही रही हैं, उसके बाद शासन ने कायाकल्प योजना भी चलाई हुई है जिसमें दानदाता विद्यालयों में खुद ले रहे हैं और उसी का एक शासन की जो योजनाएं हैं
उन्हीं का प्रभाव है कि इसमें समाज से भी आगे बढ़ रहे हैं और विद्यालयों में अपनी जो उनका भौतिक परिवेश है उनको सुधारने में सहयोग कर रहे हैं।